हे व्हाट्सअप का साथी वीडियो में हम लोग एक बार फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट का कई हजारों सालों के बाद। एंड भाई साहब यहाँ पर आते ही क्या देखते हो, एक तो बार बारिश हो रहा है, ये चमन कहीं के दोनों नमूने मेरे घर में और मेरे ही बेड पे सो रहे हैं। अबे नल्ले बेरोजगार छपरियों का थे यार, इतने 2 साल के अंदर यार एक घर ना ले पाए तुम लोग, क्या ही यार। और बाहर देख रहे हो तुम्हारे मामे खड़े कतई, अभी एक को बुलाओ कतई, तुम लोगों को खा जाएगा कच्चा कतई, उसके बाद मैं उसको कच्चा खा जाऊंगा। लाल आले आले ये ले तेरी भैंस की डांग, निकल ले बेटे। अरे बेटे तुझे क्या लगे इन नमूनों को मैं तुझे खाने दूंगा? अरे बेटे एक तो वैसे भी तुम लोगों के अंदर दिमाग नहीं होता, अगर इन नमूनों को खाओगे ना तो कतई और बावड़े हो जाओगे तुम लोग। चल निकल बेटे, मैं ऐसे ही सोता हूँ। अरे भैंस की डांग, बेचारे को जगा दिया। और मेरे को यहाँ पर कौन सा मॉन्स्टर है भाई ये, इसके अलावा कौन सा ही मॉन्स्टर, ये विलेजर नल्ला कहीं का पगलिया मॉन्स्टर कहीं का। एंड अभी छत के ऊपर भाई साहब बारिश में सोना पड़ेगा, लेकिन ना अभी यहाँ पर MLG करके कतई मैं स्टाइल से सोऊंगा। अरे भैंस की डांग, मेरी टांगे टूट गई, नींद आ गई भाई साहब कतई। यहाँ पर मॉन्स्टर नाम का कौन है भाई, वो विलेजर ही कतई सबसे बड़ा मॉन्स्टर था लिटरली। अरे भाई साहब ये नमूना यहाँ पर साइड में भाई साहब खूने में, यहाँ पर भाई मैं यहाँ पर कहते यार एनिमल्स लाने वाला हूँ, तू एनिमल्स के अंदर नहीं आता, लेकिन तू तो यार जाने दे किस में आता है, अगर मैं बोलूँगा तो तू यार रो जाएगा, इससे अच्छा तड़प तड़प के टपक जा। अरे भाई साहब आपको क्या तकलीफ हुई है, समुंदर के अंदर ही चुपचाप रहता बैठे, मेरे हाथों का कहीं मर गया ऐसी की तैसी। अरे भैंस की टांगे झोंबड़ियों का ना कहते अब कुछ इलाज करना पड़ेगा, अब तो मैं कहते यार यहाँ पर लोहे वाला आर्मर बनाने वाला हूँ कतई, उसके बाद अगर ये ज़ोंबी मुझे काटने की कोशिश करेंगे ना कतई उन नमूनों की बत्ती सी टूट जाएगी, कतई दांत टूट जाएगा चौधरीओं के। और ये देखो गाइस कतई मैं क्या हिम्मत लग रहा हूँ, अभी मजा आएगा ना बिड़ू, अभी भी भाई पैंट बाकी है तो अभी थोड़े से आयरन चाहिए, और आयरन तो भाई सब अब केव में ही मिलेगा तो अभी माइनिंग करनी पड़ेगी होली मोली। चलते हैं, बंद कर दे दरवाज़ा कहते, अगर भाई साहब मैं यहाँ पर निकल गया और पीछे से वो विलेजर वापस मेरे घर में कहते कब्जा कर लिया ना तो भाई साहब ये तलवार डायरेक्ट मैंने उसको घुसा दी ना। अरे ये लो, हाँ लालच लालच बुरी बला है। और यहाँ पर दूसरा भी नमूना है, आ जा चिकन, ये ले तेरे लिए मैं सीड लाया। अरे भाई साहब यहाँ पर एक ज़ोंबी इसके टपली मारता हूँ कहते मज़ा आएगा, ये ले। अरे भाई साहब कहते मस्त मज़ा आ गया भाई साहब, टपली मार दी। अरे नमूने देख रहे हो गाइस, इसने कतई उस विलेजर को खाया होगा, एक ना एक विलेजर को खाया होगा। एक तो मैं वैसे भी 2 साल के बाद आ रहा हूँ यहाँ पर माइनक्राफ्ट में मेरे वर्ल्ड में, भाई सब चिकन तुम लोग आ जाओ। उस गधेड़े ज़ोंबी ने ना लिटरली एक विलेजर को खा गया, तभी भाई उसको पानी के बाहर आ रहा है वो नमूना कतई यार, इसलिए वो मारा गया भैंस की टांग। अगर उसने इतनी ज़्यादा ओवर स्मार्ट करके पानी के बाहर निकल के मेरे को कतई मारने की कोशिश नहीं करी होती तो आज वो बेचारा जिंदा होता। और सबसे पहले भाई साहब 2 साल के बाद यहाँ पर कैसी हमारी सब्जी उगी है, लेट्स सी हमारे यहाँ पर सारे पाक कैसे उगे देखते हैं। भाई साहब यहाँ पर 2 साल हो गए, आधी सब्जी तो कतई उगी नहीं, यहाँ पर आलू थोड़े से उगे लेकिन थोड़े से अभी बाकी है, जल्दी से यहाँ पर मैं ये सारी वीट बीट गाजर काट लेता हूँ एंड वापस से नहीं उगा देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ 2 सेकंड का कतई काम है ठीक है। एंड भाई गाजर बाजर एकदम मस्त ताज़े ताज़े का इस कतई, 2 साल के बाद भाई कौन से गाजर ताज़े होते हैं मुझे ये बता दो कतई, मैं 2 साल के बाद आ रहा हूँ इस वर्ल्ड में और अभी मैंने फ्रेश एकदम मस्त सारी सब्जियाँ काटी और ये सारी फ्रेश निकली कतई, कैसे भाई कोई तो मुझे बताओ। होली मोली लो जी गया तेल लेने लिटरली। एंड एक बार यहाँ पर ये सारे मैं वापस से बीज भी लगा दूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे केव में कहते माइनिंग करने, और उसके साथ साथ कहते उन झोमड़ी बोमड़ियों से पंगा लेके स्केलेटन चचा तो भाई साहब कहते एम्बोट कहीं का एम्बोट लगा के बैठा होगा। एंड यहाँ पर चलते भाई साहब, यहाँ पर 2 साल के बाद आ कहते कोई यहाँ पर तो मेरा स्वागत करने के लिए खड़ा तो नहीं है ना, वरना भाई साहब मैं यहाँ पहली फुर्सत में निकल लेता हूँ और आयरन गोलम को लाता हूँ। अरे भाई साहब यहाँ पर देख लो ये कतई बेटे हड्डी मेरे बटे कथे ये घुसा पड़ेगा ना तो तेरे सारे अंजर पंजर पुर्जे निकल जाएंगे, बता रहा हूँ। और भाई साहब कहते यार ये तो खुद के ही तीर से मारा गया नमूना का एक। और यहाँ पर भाई साहब मेरे मुझे पता है यहाँ पर एकदम मस्त बढ़िया केव है, यहाँ पर लावा पावा भी है तो यहीं पर चलते गाइस। एंड यहाँ पर भाई साहब ऑब्सीडियन भी होगा क्योंकि मुझे एन्चांटमेंट टेबल बनाया तो उसमें काम आएगा। एंड यहाँ पर चल देगा इसे, यहाँ पर भाई साहब अंधेरा ही अंधेरा कहते कोई भूत निकाल तो है नहीं ना, वरना बैठे कहते देख रहा है हाथ में टॉर्च है जला दूंगा।
अरे भाई साहब, यहाँ पर ज़ोंबियों की आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा आ रही है। एंड चलते गाइस, यहाँ पर देखो भाई, तो ये रहा लावा। पिछली वीडियो में मुझे यहाँ पर से डायमंड सी डायमंड्स मिले थे। यहाँ पर मेरा आयरन भाई साहब, अब तो मेरे यहाँ पर पेंट बन ही जाएगी। तो यहाँ पर आयरन ले लेता हूँ। एंड सबसे पहले इस ग्रेवल से यहाँ पर ढक दो भाई साहब। कहते लावा अंकल, कहते यार इस लावा का को कोई भरोसा नहीं। कब भाई साहब यहाँ पर आके अपन लोग की सिटी पिटी गुल कर दे, कोई भरोसा नहीं लावा का। एंड भाई साहब यहाँ पर भी है कुछ, यहाँ पर तो भाई साहब कहते गोल्ड मिल गया। आ रहा है भाई साहब। अरे गाइस, कतई मैं आप लोगों को एक बात बताना ही भूल गया कि अंबानी भी भाई मेरे पास से लोन लेते हैं, ठीक है। तो भाई आप में से किसी को भी लोन चाहिए गोल्ड का तो मुझे बता दो भाई, एक सेकंड कतई कमेंट करो। एंड मैं यहाँ पर कतई गोल्ड की कतई बारिश करवा दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पर पहले मुझे इस लावा को ढकने दो, वरना ये मेरे यहाँ पर आज गेम बजा डालेगा। अरे भाई साहब, मैं बिना बुद्धू कहीं का यहाँ पर मैं स्टोन की पिकेक्स से कहीं लिटरली यहाँ पर मैं माइन कर रहा हूँ गोल्ड कहीं को। अभी गोल्ड का तो यार इन्वेंट्री में आता ही नहीं। यहाँ पर भी आयरन है, थोड़ा सा ले लेता हूँ। दो ही आयरन है मोली मोली। ये ले आ जा बेटे। अरे भैंस की टांग भाई साहब, इसकी माँ का साकिना का कतई ग्रेवल की ऐसी की तैसी भाई। कतई ऊपर से अभी मेरे यार अभी कतई सांस अटक जाती मेरे। अभी मैं यहाँ पर ना कतई पीछे से यहाँ पर ये आयरन तोड़ूंगा भाई साहब जिस ग्रेवल की, तो अभी मेरा यहाँ पर गेम बच जाता भाई साहब। अभी मैं तो निकल रहा है यहाँ से भाई, मेरे को नहीं और कुछ चाहिए। अभी तो अपने पास सारा इनफ है भाई, निकलते हैं ठीक है यहाँ से। चलो भाई साहब वापस। अरे भाई साहब यहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ है। अरे कौन है बे? अरे यहाँ पर ये स्लाइम है। एंड ये देखो स्केलेटन चचा कतई, उसके पीछे क्रीपर दद्दा। अरे भाई साहब, अरे क्रीपर पट ले आ। ये बढ़िया भाई, पहली बार तूने कुछ अकल का काम किया है कतई, पहली बार फट के किसी का भला किया है भाई साहब। क्रीपर सही टाइम पे फटा, वरना तो वो स्केलेटन एक मेरे मत्थे पे कतई तीर कमांड ठोकता। एंड ये स्लाइम कतई यार मेरे पे उछल उछल के कतई यार बुरी हालत कर लेते। चलो मल्टीपल हो रहे हैं भाई साहब कतई, एक में से दो, दो में से तीन, चार भाई साहब। मैं तो यहाँ से निकलता हूँ, रुक ले भाई साहब। कतई यार क्रीपर ने गड्ढा कर दिया कतई। एंड यहाँ पर भी आयरन है, थोड़ा सा ले लेता हूँ भाई। लालच क्या ही करे भाई। अभी तो मैं घर पे जाके डायरेक्ट आयरन के पेंट्स बनाऊँगा एंड एन्चेंटमेंट टेबल, दैट्स इट। अरे अपन के पास सारा कुछ पड़ा है, बस एक बुक बनानी है। उसके लिए भाई 3 पेपर लगेंगे एंड एक लेदर, तो लेदर तो पड़ा है यहाँ पर भाई। शुगर कैन है, शुगर कैन से यहाँ पर अपन लोग बना देंगे अपन के मस्त पेपर। तो भाई आ जा। और ये देखो यार, ये ड्राउनेट कहते हैं या ड्रामा, वो तो अच्छा है। अब यहाँ पर ऊपर कहते ही बारिश बारिश नहीं हो रही, वरना ये निकल के मेरे इसको भाई छेड़ता नहीं हूँ ठीक है, इसको मजे करने। अरे बेटे तू मेरे पे क्या कहते, कैमरे की तरह स्पाई की तरह एकदम निगरानी ऐसे रख रहा है बेटे। एक तो मेरे घर में ही रहता है, कुछ काम धंधा करता नहीं। और ये क्रीपर यहाँ पर देखो कहते ड्रामा, उसका घर मत फोड़ दे यो। अरे भाई साहब यहाँ पर इसके अंदर क्या है? अरे मामा जी, अरे ये तो मेरे मामा का घर है। मैं तो यहाँ पर यहाँ से भाई उठा के ले जाऊँगा कहते एप्पल वेप्पल, भाई मामा कुछ भी नहीं बोलेंगे। यहाँ पर प्यारा सा एकदम मस्त घोड़ा है भाई, तेरे को मैं एक ना एक दिन ले जाऊँगा, तू टेंशन मत ले। अरे ये क्रीपर मेरे पीछे वहाँ से कते आ गया बेटे। अरे भैंस की टांग खुली मुली। अरे यार नल्ला कहीं का मेरे पास ही आके फट गया यार, कोई और जगह नहीं मिली थी क्या? उस विलेजर के मत्थे पे फट जाता कतई, पूरे दिन भाई मेरे पीछे पड़ा है। तो भाई बुक बनाने के लिए चाहिए अपने को पेपर, और पेपर बनाने के लिए भाई अपने को बहुत सारा शुगर केन चाहिए। तो शुगर केन को एकदम जल्दी से ग्रो करने के लिए बोन मिल बना लेता हूँ। एंड डायरेक्ट शुगर केन पे जैसे ही बोन मिल का यूज़ करूँगा एंड तुरंत ही भाई साहब कहते शुगर केन एकदम ग्रो हो जाएगा। तो ये रहे बोन, बोन मिल आ जा बेटे। भाई अरे यूज़ करना भी नहीं आता, होली मोली रुको एक बार फिर से ट्राई करने दो। एक साथ तीनों के तीन लगा दूँ एंड तीनों पे बोन व्हील अभी मारता हूँ। यह देखो, देखा जादू का ही ग्रो हो गए एंड अभी ले लेता हूँ सारे। ऐसे ही करते भाई साहब कहते अपना पेपर बन जाएगा एंड पेपर बनने के बाद बुक एंड फिर डायरेक्ट एन्चेंटमेंट टेबल। और ये विलेजर भाई मैं कब का देख रहा हूँ कुत्ते मेरे ऊपर एकदम नजरे टिकाए बैठा है।
अरे पिगी, क्या हाल चाल? आ जा बेटे। अरे वाह, पिगी ने भी दिखा दिया अपना जीरो लेवल वाला IQ। अरे भाई, फंस गया डर के नीचे। वाह बेटे वाह, गाजर एकदम मस्त खिलाऊंगा, निकल ले बाहर। नहीं निकल रहा, अभी इसको तोड़ते हैं भाई। इतना एक तो खा खा के कहते, पता नहीं कितना मोटा है ये। चल आ जा मोटे, आ जा धीरे धीरे आ जा। ऐसे घुरमा तो मैं दूंगा तेरे को गाजर खाने के, लेकिन सबसे पहले मेरे पीछे आ जा। पीछे तो आ ले। हाँ, क्या हाल चाल बता, तेरा नाम क्या है? पिगू छिगू। आले आले मेरे पीछे आले जल्दी। और विलेजर भाई साहब, क्या हाल चाल? मैं तो कुछ नहीं कर रहा भाई, मैं तो ऐसे ही इसको किडनैप कर रहा हूँ। तू कैसे रोकेगा बेटे? तू यहाँ का थोड़ी पुलिस वाला है। आ जा आ जा। विलेजर को भी कतई मामू बना दिया है यहाँ पर। भाई तेरी एकदम मस्त स्पेशल जगह रहेगी ये वाली, यहाँ पर तू रहेगा। और ये देख लो, ये 0 IQ वाला विलेजर हमारा कतई मेरे ही घर में सोने वाला, मेरे बेड पे। ये भाई साहब कतई यार एक नंबर का बेवड़ा है भाई, यहाँ पर आ गया भाई। यहाँ पर एनिमल्स की जगह है, तू एनिमल्स के एनिमल्स से कम थोड़ी ना है। अब इसको भी रेस्क्यू करना पड़ेगा। साले बाहर निकल ले, वरना 2 चपेड़े मारूंगा तेरे गाल पे। अरे भाई साहब कहते, वो पिक भाई यार, ये निकल गया पार। मैंने उसको नहीं बोला था, तुझे बोला था भाई। जाने दो भाई यार, ये 0 IQ वाला। फाइनली इसको चपेड़े मार मार के साले को बाहर निकाला। और बेटे अगली बार अगर अंदर आ गया ना, तो तेरे को कतई मैं एनिमल बना दूंगा। मजाक नहीं कर रहा। फाइनली बुक बन गई है, एंड अभी यहाँ पर हम लोग को बनाना है एन्चेंटमेंट टेबल। अब सर्च करते हैं भाई, इसकी रेसिपी भी मुझे नहीं पता होली मुली। अरे भाई साहब, एक ऑब्सीडियन तो भाई यहाँ पर कदे 3 पड़े ले लेते हैं। ये फाइनली, अरे वो आ गया एन्चेंटमेंट टेबल। और इसको कहाँ पर रखना है भाई, है ना, वो बाद में डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हम अपना पेंट बना लेते हैं। ये कतई लोहे का पेंट है भाई साहब, कतई एक अगर इससे लात पड़ेगी ना जोम्बी के, कतई यार मथा फट जाएगा। तो फाइनली हमारा यहाँ पर फुल्ली एकदम आयरन का सूट भी बन चुका है, आर्मर एकदम बढ़िया है। अभी हम लोग यहाँ पर नीचे इसको रखते, एन्चेंटमेंट रूम हम यहीं पर बनाएंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।